सर के बीच में हम ऐसा गाना मार्केट में भेज। तो दोस्तों जो आपने अभी स्टेटस जो देखा है या फिर जो आप अभी स्टेटस देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ इस प्रकार का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान स्टेप में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन। यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज़ होगा उसको इम्पोर्ट कर लेना है आपको अलाइट मोशन में। इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मोर पे जाना है। जब डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट एंड प्रीसेट जो दिख रहा है आपको 100 बिट मार्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 100 बिट मार्क एंड सेक इफेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको इम्पोर्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 x 16, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है और एलाइट मोशन यहाँ पे क्लिक करके आप गैलरी में जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना और फोटो पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके फिर उस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो इस फोटो को कम से कम आपको आपके पास जितने फोटो होंगे, ठीक है, आपको सभी फोटो को 4 फोटो को आपको इस तरह से क्लिक करके क्रिएट फ्रेम करके यहाँ पर जो दिख रहा है PNG इस तरह से आपको एक्सपोर्ट कर देना है। कम से कम आपका 4 से 5 फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। आपको सबसे पहले बैक कर लेना है, फिर आपको किस तरह से आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आप अभी किए थे इसको आपको इस तरह से डिलीट कर देना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 100 बिट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको मैं बता दूँ यहाँ पर सब बीट सेट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो ये फोटो दिख रहा है ना, ये इफेक्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इस पर आप कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इमेज लिखा है यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इमेज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे जाना है और यहाँ पर लिखा है स्टार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जो भी फोटो यहाँ से आपको इस यहाँ से आप जो भी अलाइट मोशन में एक्सपोर्ट किए रहेंगे तो आपको क्या करना है, जो फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लस पे क्लिक करके कुछ प्रकार से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा जो कि इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट किया गया है, बहुत ही कमाल का है, ठीक है। फिर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से आपको आगे आना है और आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्रुप और यहाँ पर आपको दिख रहा है करेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज 2, तो आपको क्या करना है, इमेज पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है, और कलर एंड फील पे जाना है और यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टार, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जो भी फोटो क्रिएट किए रहेंगे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्रकार से क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है, आपका जो भी फोटो रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो फोटो कुछ प्रकार से है तो मैंने यहाँ से आपको करके दिखा दिया। फिर आपको आगे आना है, आपको क्या करना है, जो फोटो आपका रहेगा मैं जो साइज़ आपको बताया हूँ वही साइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा साइज है, मान लीजिए हम इसी फोटो को लेकर आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि उस प्रकार से बहुत ही कमाल का इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर आपको आगे आना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इमेज 3, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे जाना है और आपको यहाँ पर स्टार दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और आपको कोई सेकेंड फोटो इस पर प्लस पे क्लिक करके इस प्रकार से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रकार से इफेक्ट क्रिएट किया गया है जो कि बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर इतना काम आपको कर देने के बाद फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज 4, ठीक है, इस पर क्लिक करना और कलर एंड फिल पर जाना और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके कुछ प्रकार से फोटो पर क्लिक करके इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रकार से इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। फिर आपको गाइस आगे आना है, अब आपको गाइस इतना काम आपको कर देना है, ठीक है। इतना आपको कर देने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टार, अब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर गाइस आपको यहाँ से लेकर के आपको यहाँ पर देख लो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आपको फोटो ऐड करना है पूरा, ठीक है, 11:29 तक। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 17:10, ठीक है, 17:10 से लेकर के पूरा आपको लास्ट तक जितने भी यहाँ पर हैं सभी पर आपको फोटो को ऐड करना है। तो मैं गाइस फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इफेक्ट कैसे कैसे ऐड होगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के हिसाब से हमने कुछ इस प्रकार से फोटो को ऐड कर दिया है। इस पर इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है आपको मैं बता दूँ, स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने नंबर सेट करके रखा है, ठीक है। आपको बता दूँ कितने इसमें इफेक्ट लगने वाले हैं। तो आपको बैक करना है, यहाँ पर आपको एक और प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आपको 7 इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको पहला वाला इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको गाइस बैक करना है और अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आने के बाद आपको एरो पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बीट एक नंबर, तो एक नंबर के ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो मैं इस फोटो पर क्लिक कर लूँगा और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से मैं कर लूँगा। ठीक है, तो जो गाइस मैं आपको बता दूँ 4-5 फोटो करने के लिए उसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने फोटो दिख रहे हैं एक नंबर के ऊपर सभी जगह पर आपको ये इफेक्ट लगा देना है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर, तो आपको बैक कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 1, 2 दूसरा नंबर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सारे इफेक्ट जितने भी हैं सब मैंने नंबर वाइज करके रखा है। मैं आपको यहाँ पर नंबर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रकार से मैंने नंबर भी ऐड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर यही इफेक्ट लगेगा। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर, इसके ऊपर जितने फोटो आप ऐड किए रहेंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो जो हमने अभी 2 नंबर कॉपी किया था वो हम यहाँ पर ला करके इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर सभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जैसे जैसे नंबर लिखा है उसी प्रकार से आपको इफेक्ट ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपको इफेक्ट देखने मिल जाएगा। हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा था, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फोटो पर क्लिक करके ऐड कर लेना है, तो आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके कलर फील पे जाकर स्टार पर क्लिक करके उस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर आपको आगे आना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रकार से नंबर सेट है जो कि तीसरा इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला इफेक्ट ऐड होगा। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4 नंबर जो कि चौथा नंबर वाला इफेक्ट ऐड होगा जो कि आपको मैं ऑलरेडी दिया हूँ। ठीक है, फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर आप आगे आएंगे तो 6 नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर आप आगे आएंगे तो 7 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इफेक्ट वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, तो आपको जैसे से लिखा वैसे वैसे करके कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर देना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर एक्सपोर्ट हो जाएगा या आपका मात्र 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।